अगली खबर आ रही है पर्वत सर से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं का चुनावी दौरा अपनी रफ्तार पर है। मंगलवार को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नागौर जिले के पर्वत सर में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिर्मिर्धा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। नारायणपुरा चौराहे पर आयोजित जनसभा में राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष टी आर चौधरी, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह मेहता, विधायक लक्ष्मण राम कलरूप, पर्वतसर पूर्व विधायक मान सिंह किंसारिया, टेगाना पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा सुनीता रांदड़, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। है कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, जरा ये तो बताएं। जैसे ही वो नाम लेंगे आप देखिएगा, ये जैसे वो कागज की वो घंटी बनाते हैं अपन, वो एकदम बिखर जाता है ना, वैसे बिखर जाए। उनका ना तो कोई नेता, ना कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, ना उनके पास कोई विजन है। सिर्फ एक उनका एक ही एजेंडा है कि मोदी को हटाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि देश के लिए मोदी जी लड़ रहे हैं, देश को मजबूत बना रहे हैं। ना गर्मी में आप लोग यहाँ पधारे हैं, यहाँ पधारे सभी बड़े बुजुर्ग और सभी यहाँ हमारे नागरिक बंधुओं। मैं आज, वैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राजस्थान सरकार की भी जो हमने 100 दिन में काम किए और आगे करने वाले हैं, क्षेत्र में जो काम हुए हैं, सारी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपने आप मन से पूछो कि क्या ऐसा कोई और नेता है जो हमारे देश के बारे में चिंता करता है, जो हमारे हमारे देश को मजबूत जिन्होंने किया, जिन्होंने हमारी सेनाओं को और ज्यादा बलवान बनाया।